आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नशीली दवाओं की तस्करी पर अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम बिजेश पाठक, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए दिए निर्देश। नोएडा के सेक्टर 3 में स्थित फैक्ट्री में लगी आग, 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर फैसला टला, अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कर्नाटक में ओला उबर और रैपिडो वैन, सरकार ने 3 दिन के लिए भीतर ऑटो सर्विस बंद करने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। डिप्टी सीएम बिजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, साथ ही कहा कि उन्होंने सपा संरक्षक से मुलाकात की है और उन्हें स्वास्थ्य में सुधार की कामना की। प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों के मरम्मत हेतु कहा कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और 15 नवंबर से पहले सड़कों गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कफ सिरप को लेकर उपजे विवाद पर भी कहा कि विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की गई है और सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है, 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक जांच कर ली जाएगी और 3 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि डेंगू और को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं। हम इससे पहले सभी जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि उनकी कार्यसूची बना करके जो सड़कें गड्ढेदार हो गई हैं और शासन भेजें, उनकी पैसे की स्वीकृत करके तत्काल धनराशि भेजी जाएगी और किसी भी हालत में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा में हैं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शीघ्र स्वस्थ हों। आज ही हम उनसे मिल करके आ रहे हैं और अभी वो ICU में हैं। खबर अमेठी से, जहां भारी बारिश के कारण जगदीशपुर रेलवे स्टेशन के अंडरपास में जलभराव के चलते राहगीरों को आने जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नगर निगम के तमाम विकास के दावों की पोल भी खुलती दिख रही है। अलीगढ़ में नगर निगम के द्वारा संघ कार्यालय पर अध्यक्ष और महामंत्री के संयुक्त नेतृत्व में जिला चिकित्सा सिंह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर का फीता काटकर उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी ने किया। आपको बता दें कि भगवान वाल्मीकि के चित्र पर प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय सचिव और पूर्व अध्यक्ष ने नेताओं ने पुष्प अर्पित किए, जिसके बाद सफाई कर्मचारी नौजवानों ने खुशी और उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। अध्यक्ष महामंत्री ने बताया कि कुल 51 सफाई कर्मचारी वाल्मीकि नौजवानों ने रक्तदान किया है। और को सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का प्रकट दिवस है, उस उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज नगर सफाई मजदूर संघ की तरफ से यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ नगर निगम के प्रांगण में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जो आज लगातार काफ़ी लोगों ने अपना खून दान किया है, ब्लड दान किया। आज जो कार्यक्रम करा गया है, वाल्मीकि महाप्रकोत्सव 9 तारीख को मनाया जा रहा है, 9 अक्टूबर को वाल्मीकि भगवान जी की शोभा यात्रा 9 अक्टूबर को निकाली जाएगी। उस उपलक्ष्य में आज हमने नगर सफाई मजदूर संघ की ओर से 50 से लेकर 51 युवाओं के साथ मैंने स्वयं ब्लड दिया है, ब्लड डोनेट किया है। और ये ब्लड देने का हमारा कारण रीज़न ये रहा है कि जो असहाय कमज़ोर लोग हैं, जिनके काम ये ब्लड आ सके, जिनको बेचारों को मजदूरी नहीं मिल पाता है, इस वजह से हमने ये ब्लड डोनेट नगर सफाई मजदूर संघ की ओर से नगर निगम कार्यालय पर अपने किया है।
अलीगढ़ में बढ़ते साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सीओ साइबर सेल की जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता अभियान में साइबर फ्रॉड काफी कम होता जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 6/10/22 को साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय साइबर थाना अलीगढ़ की टीम द्वारा अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एवं क्लब में हमारे द्वारा जो है सभी छात्र छात्राओं एवं नागरिकों सामान्य जनों को साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया गया। खबर अलीगढ़ से, जहां रामलीला गौशाला कमेटी के संयोजक की अध्यक्षता में रामलीला मंचन संपन्न कराई गई। बता दें कि भगवान राम के रावण का वध कर उसका राजपाठ विभीषण को सौंप रामलीला का समापन कराया गया। तो वहीं इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज रामलीला महोत्सव के अंतर्गत 6 अक्टूबर को राजपलक का कार्यक्रम था। ये राजपलक आज हमारे शहर के प्रमुख बिल्डर श्री प्रवीण कुमार मंगला पूजन समिति द्वारा किया गया। इसमें हमने अपने सभी शहरों का सम्मान करा। बाकी जितने लोगों ने हमारे झांकियाँ निकाली, हमारे लाइट साउंड फाउंड वाले जितने भी थे, सभी लोगों का हमने आज इसमें सम्मान करा था। और मैं अपने सभी शहरों का, प्रशासन का, नगर निगम का और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने 19-20 दिन मेरे साथ कार्य करके इस कार्य को संपन्न कराने में मेरी। अलीगढ़ में बांस नहर में मछली पकड़ने आए 4 युवकों में से एक युवक नहर में डूब गया। आपको बता दें कि युवक की तलाश जारी है। वहीं डूबे हुए युवक के 3 साथियों ने जब शोर शराबा किया तो क्षेत्रीय ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना तुरंत क्षेत्रीय पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं भारी मशक्कत के बाद डूबे युवक को नहर से ढूंढ निकाला गया है, जिससे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अच्छा, कितने लोग आए थे? 4 दिन। अच्छा, फिर पहले जो दूसरे से हमने देखा, फिर मिलेंगे। किसने? वो जो थे आगे आगे चेक करने के लिए गए, फिर मिलेंगे। अच्छा, कौन डूबा है इसमें? क्या नाम है उसका? हम जो 4 दिन ही आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है उसका जो डूबा है? रोहित। खबर अंबेडकर नगर जिले से, जहां आशा कर्मियों का वेतन माह से ना मिलने से आशाएं भुखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि आक्रोशित आशा ने अपनी मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कार्य बहिष्कार करते हुए जिला मुख्यालय अंबेडकर नगर प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गई हैं। इस पूरे मामले में CMO को आशाओं के ज्ञापन दिया है। विभिन्न मांग है, हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि बनती है ये लोग से वही मांगा जा रहा है, जो हमारी राशि बनती है उसको ये लोग नियमित भुगतान करें। और भुगतान करने की वजह क्या है कि ये लोग 1-2 महीने का जो पैसा डाल भी दिए हैं वो भी पैसा कटौती करके पूरा गया, पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारे बहनों में सारे आक्रोश है। हमारा जो मानदेय बनता है वो मानदेय क्यों नहीं पूर्ण रूप से दिया जाता? खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के नेतृत्व में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य पंडाल लगाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने आ रहे हैं। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। देशपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। कल रावण दहन हो गया था, लेकिन बारिश होने के कारण लोग हतोत्साहित थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दुर्गा माता की कृपा से पूरा मौसम खुल चुका है और जो गांव गिराव के लोग थे वो भी बाहर बहुत उत्साह के साथ निकले हैं। हालांकि रामलीला मैदान में पानी भर गया है, छोटे दुकानदार लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन तब भी गांव के लोग जितने भी हैं वो निकल के आए, माता के पंडालों में जा रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं। सभी पंडालों पर उचित समय देते हुए अपना दर्शन करते हुए आस्था के साथ सब दुर्गा पूजा महोत्सव का उत्साह और आनंद ले रहे हैं।
खबर औरैया से, जहां अजीतमल गौशाला में गर्भवती गाय घायल अवस्था में पड़ी मिली, जिसकी सूचना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता को पहुंची तो उन्होंने पशु चिकित्सक को बुलाकर घायल गाय का इलाज कराया। साथ ही नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता को मामले की सूचना देकर जमकर हंगामा भी किया। यहाँ पर जो है अभी गाय मरणासन स्थिति में थी, उसको फांसी का फंदा दिया बिल्कुल था, और जो डॉक्टर साहब को दो बार फोन किया तब वो यहाँ पर आए हैं। इससे पहले कल भी एक गाय मरी हुई है, परसों भी एक गाय मरी हुई है। जो हम लोग परसों नरसों एक गाय को हाईवे से उठा के लाए हैं, उसकी स्थिति अभी भी सुधार में नहीं है, वो भी यहाँ पर डली हुई है। यो साहब भी मौके पर आ गए, यो साहब ने क्या कुछ जानकारी दी, क्या कहा? यो साहब कोई भी जानकारी देने से पीछे हट रहे हैं, वो कोई जानकारी देना ही नहीं चाहते हैं। मैंने यहाँ प्रखंड में, हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बावरपुर में एक स्थायी गौशाला है, जिसमें गायों की हालत बद से बदतर है। हर रोज एक गाय मृत हो रही है। यहाँ पे टाउन एरिया में कहने पर हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात की जाती है, हम लोगों को वहाँ से भगाया जाता है, और हमसे ये पूछा जाता है कि आपका राइट क्या है यहाँ पूछने का, आप बताइएगा। मैंने लॉग बुक की बात की, उन्होंने हमसे कहा कि लॉग बुक ताले के अंदर है, लॉग बुक नहीं दे पाएंगे, वो बंदा यहाँ पे नहीं है जिसके पास चाबी है। अब आप बताइएगा, ईओ साहब का आज दर्शन हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगातार 10 दिन से विजिट कर रहा हूँ। पानी का आज रात में ज्यादा बर्फा, उसकी वजह से कीचड़ थोड़ा गौशाला में हो गया है। गायों को प्रॉपर चारा और दाना दिया जा रहा है, पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, और 4 बीघा हरे चारे की भी व्यवस्था थी, वो ज्यादा बर्बाद होने की वजह से नहीं आ पा रहा है। खबर फरीदाबाद से, जहां स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाई संचालक की दुकान पर व घर पर छापेमारी कर ढोकले का सैंपल एकत्रित किया। अधिकारियों ने बताया कि काफी दिनों से दुकानदार के खिलाफ शिकायत के मामले आ रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए। अगर कोई मिलावट की बात सामने आई तो दुकानदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ये सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर है, जो अपोजिट YMCA कॉलेज है, सेक्टर 5 फरीदाबाद में, कि यहाँ पर घर के अंदर ढोकला बनाया जा रहा है काफ़ी बड़े मात्रा में। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर आए और हमने उस दुकान का जो घर था उसका पूरा निरीक्षण किया, जिसमें से हमें लगभग 900 किलो बेसन और 10 किलो के आसपास मैदा एवं आरारोट का मिक्सचर था वो, और 30 किलो बना हुआ ढोकला वहाँ पर मिला, जिसका हमें सैंपल ले लिया। खबर गाजियाबाद से, जहां 3 महिला चैन स्नेचर को GRP ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक महिला की चैन स्नेचिंग की शिकायत के बाद तलाशी अभियान के दौरान GRP ने रेलवे स्टेशन से चैन खींचने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिलाओं ट्रेन में यात्रा करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। आप सीमा जी है, हिंदू समाज से है, बुर्का क्यों पहनी है? गलती हो गई। पहली बार पानी है या इसके पहले भी करती थी इस तरह? मांगत रानी पहले जी, मांगत रानी पहली बार पानी है ये बुरका। अच्छा, ये इन दोनों लोगों का क्या नाम है? पुलू। और इनका? मनीषा। ये लोग भी बुरका आप ही कहने पानी है कि कैसे? अपने से पहनी है। आज दिनांक 7/10/2022 को मैं अपने हमराह कर्मचारीगढ़ के साथ बढ़ते हुए जराइम को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म व ट्रेनों की चेकिंग में मामूर था कि इसी दौरान मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि कल दिनांक 6/10/2022 को जो महिलाएं प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी थी, वही महिलाएं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 2 के पास पूर्वी छज्जे के नीचे मौजूद हैं, यह जल्दी किया जाए तो पकड़ी जा सकती है। इस सूचना के आधार पर मैंने RPF से IPF श्री अमित सिंह, अमित राय साहब और हरिश्चंद साहब वो उनके हमराह 2 महिला आरक्षियों आरक्षी और अपने हमराह आरक्षियों के साथ गेट नंबर 2 के तरफ गया। मुखबिर थोड़ी दूरी से उपरोक्त महिलाओं को दिखाकर चला गया। जब इनके करीब पहुंचा गया तो ये महिलाएं तेज गति से गेट नंबर 2 के तरफ भागने का प्रयास की, इन्हें घेर लिया गया महिला आरक्षीगण द्वारा इन्हें। खबर कानपुर से, जहाँ संघ ने 97वीं वर्षगांठ के अवसर पर दीनदयाल विद्यालय और BSSD कॉलेज के विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इस मौके पर संघ ने प्रमुख मोहन भागवत भी सभा में करेंगे शिरकत। साथ ही इस शिविर में आधुनिक परंपरागत और प्राचीन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
जेड प्लस प्रोटेक्टी जो भी हमारे महानुभाव होते हैं उनके सुरक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, और जेड प्लस प्रोटेक्टी की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो भी आवश्यक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी जो हमें तय करनी है और जिस तरह से एंड टू एंड हमें सारे प्रोग्राम कराने हैं वो हम कराएंगे, और हमारा पूरा ये प्रयास है कि सब कुछ बेहतर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो। कानपुर में सपा कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवन किया। आपको बता दें कि नेताजी के स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। वहीं मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह के लिए हर जगह हवन किए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद नजर आ रहे हैं कि मामूली विवाद को लेकर पीड़िता को लोहे की रॉड से पीटकर उसे घायल कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दबंगों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। थाना चकेरी पर एक वादनी का द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति लाल बंगला पे कपड़े रंगाई का काम करते हैं। उनके पड़ोस में जिनकी दुकान थी उनके और इनके बीच में कोई किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों के बीच में मारपीट हो गई। उनके प्रतिवादी के द्वारा इनके सर पे लोहे के रड से हमला किया गया, जिसमें उनको चोटें आई है। तेजाब डालने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इनको मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी विस्तृत बातें जो है मेडिकल में आएंगी, उसके आधार पर जो है इसको सुतंगा धरा पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत पर भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाओं पर बैन लगा दिया है। WHO ने बताया कि सभी बच्चों की मौत दवा पीने के बाद हुई और सभी बच्चों में बीमार पड़ने का एक ही पैटर्न भी पाया गया। साथ ही भारत के आयुष मंत्रालय पर बड़ा सवाल उठता दिख रहा है। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता ने राम मनोहरिया लोहिया के डॉक्टर विक्रम सिंह से बातचीत की। भारतीय सभी कंपनियों पर नहीं किया है, केवल एक कंपनी जो कि कफ सिरप मैन्युफैक्चर करती थी उस पे किया है, केवल एक ही कंपनी पे। और उस कफ सिरप में ये कहा जा रहा है कि उस कफ सिरप की वजह से गाम्बिया देश में 66 बच्चों को एक्यूट किडनी इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो जब तक यह चीज़ ये एक आशंका हो सकती है, जब तक यह तथ्यों से और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन प्रूफ नहीं हो सकती होती है, तब तक इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है। और ये अन्य कंपनियों पे लागू नहीं है, ना ही भारत की अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे लागू है। ये केवल एक कंपनी का विषय है और वो भी जब पूरी चीजों के इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे तभी इस पे कुछ कमेंट फर्दर किया जा सकता है। लखीमपुर खीरी में बाकेगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में कोठीपुर गांव में मानसिक रूप से परेशान युवक ने घर में कमरे में अंदर अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से युवक के पास से एक सुसाइड नोट और अवैध असलहा भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीतापुर में चोरों के आतंक से दहला तंबौर, दो खाली घरों में चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवर समेत नकदी की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। परिवार सहित शादी में गए थे, वहीं जब घर में लोग वापस आए तो चोरी की जानकारी उनको हुई। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। 3 तारीख को गए थे शादी में खैराबाद, तब से अभी आए, मतलब ताला टूटा मिला है सब। क्या चोरी हुआ? 2.5 लाख रुपये नगद रखे थे, एक सेट था हल्का। इस संबंध में सूचना दी पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई। मौके पर आया? मौके पर थाना इंचार्ज आए थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश भर की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।